अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको सिखाने लगी हूँ टाइट्स बनाना, बच्चों की टाइट्स। टाइट्स बनाने के लिए ये मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें ये लचक होती है, स्ट्रेचेबल है। टाइट्स बनाने के लिए स्ट्रेचेबल कपड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है ताकि बच्चों की टाइट्स फटे नहीं। ये मैंने 4 साल की बच्ची का टाइट्स बनाना है। ये देखिए मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया है, टू वियर्स ये और टू वियर, तो ये हमारे पास 4 फोल्ड हो गए। टाइट्स टाइट ही होता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको खुला नहीं रखूँगी और ये स्ट्रेच हो जाएगा। मैंने जितनी इसकी लेंथ रखनी थी मैंने उसकी लेंथ उतार ली। मैं ये 23 इंच तैयार बनाऊँगी और इसके लिए मैंने 26 इंच का ये कपड़ा उतारा है और जो इसकी विड्थ ली है मैंने ऑलमोस्ट 16 इंच है, जिसको 16 इंच के जिसको फिर मैंने वैसे फोल्ड कर दिया। सही है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी कटिंग। आप इसको अच्छे से फोल्ड करके रख लें, फिर यहाँ से आपने जितना इसका पैंचा रखना हो उतना रख लें। मैं ये चौक यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको निशान क्लियर नज़र आए। मैं यहाँ से 4.5 इंच रख रही हूँ, 1/2 इंच सिलाई में देंगे और जो इसका आसन होगा ऊपर से हमने इसका नेफा भी मोड़ना है। सही है, तो इसके लिए मैं तक 11 इंच काफ़ी होगा, 11 इंच यहाँ से इसका नेफा आसन रखूँगी। आप टाइट्स बनाने के लिए यहाँ से थोड़ी सी थोड़ा सा ऐसे इसको करके इसको इससे मिला देंगे। सही, और ये आसन है, इस पर भी हम थोड़ी सी गुलाई में ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच लेके आप यहाँ जब एंड इसको आप यहाँ से लेके आके इस नोक से यूँ मिला दें। सही है, ये तो हमारी टाइट्स की कटिंग हो जाएगी। ये इसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, मैं अब इसकी कटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। यहाँ से देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया हो तो कटिंग करके आप बैलेंस कर चुके हैं, कर सकते हैं। यहाँ से ठीक है मेरा, यहाँ से थोड़ा सा है, इसको आप कटिंग से एक्स्ट्रा कटिंग निकाल लें जो सही नहीं है। ये हमारी लेग्स की कटिंग हो गई और यहाँ से हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया, इस गुलाई का फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे बैठते हैं तो यहाँ से फटता नहीं और खींच नहीं लगती बच्चों को। सही है, अब स्टिचिंग इसकी बहुत इजी है। सिंपली जैसे आप करते हैं यहाँ से आप ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लें दोनों तरफ से नीचे से, और फिर आप जैसे पजामा सीते हैं वैसे इसको सी लें।